अगर आप दुबई गल्फ सऊदी जैसी कंट्रीज़ में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप एकदम अच्छी जगह आ गए हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट वैकेंसीज मिलेंगी जो भी एजेंसीज के थ्रू होंगी, लाइक जो मुंबई के किंग होते हैं एजेंसीज होती हैं, वहाँ के डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स मैं आप तक क्लियर लेके आता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कैफ और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, कुछ रिक्वायरमेंट्स आई थी दुबई के लिए, और तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए, तो दुबई के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए, और जो सऊदी अरेबिया का बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि सऊदी अरेबिया के लिए अभी फ़्लाइट चल नहीं रही हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट कैसे मतलब आ रही हैं, क्या इसमें प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर सिंपल है, अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो सिलेक्शन हो जाने के बाद बाकी जो नेपाल से पास के थ्रू, क्योंकि इस फ्लाइट के हिसाब लोगों को पता ही होगा वाया जो नेपाल से थ्रू हो रही है फ़्लाइटें, तो हो सकता हो ऐसा आपका प्रोसेस हो क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स है वो एजेंसी की, हो सकता है ये प्रोसेस हो, या फिर आपका सिलेक्शन करने के बाद आपका पासपोर्ट डिपॉजिट हो जाए और डिपॉजिट होने के बाद कंपनी आपको जब फ्लाइट स्टार्ट हो तब उसके बाद आपका आगे का जो प्रोसेस हो वो स्टार्ट हो या उसके बाद आपको फ़्लाइट मिले। तो पहले मैंने प्रोसेस इसलिए बता दिया कि काफ़ी लोग कमेंट्स में कुछ लिखेंगे आकर के कि भाई सऊदी अरेबिया के फ़्लाइट से चल नहीं रही है तो आप वीज़ा कैसे बता रहे हैं या इंस्टाग्राम में मैसेज करेंगे। तो उससे पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सऊदी का प्रोसेस क्या है, उसके बाद मैं अब जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपकी प्रोफाइल्स मिस ना हो। आपको पता है मैं वही वैकेंसीज़ तो बहुत इशू होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ वही एजेंसीज़ की रिक्वायरमेंट्स लेके आप तक आता हूँ जो आप रिक्वायर्ड करते हैं, मतलब जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव और जो भी आपके करीबी होते हैं उन लोगों के लिए ज़रूरी है। मैं सिर्फ वही रिक्वायरमेंट्स आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, तो आप लोग मतलब पूरी एंड तक वीडियो देखें क्योंकि वीज़ा मैं फ्लैश करने वाला नहीं हूँ और जो भी मैं इंफॉर्मेशन है वो मैं बताऊँगा ताकि आपकी प्रोफाइल कहीं छूट ना जाए। हो सकता है आपकी प्रोफाइल आई हो और आप वीडियो बढ़ा दें या बैक कर दें तो आपकी प्रोफाइल मिस हो जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और तो प्रोफाइल की बात कर लें तो पहली जो रिक्वायरमेंट्स है वो है रिक्वायरमेंट्स इन यूएई दुबई। दुबई के लिए रिक्वायर्ड्स हैं रेपुटेटेड कंपनी है यूएई की, और इसमें ऑनलाइन इंटरव्यू शॉर्टली बहुत जल्दी मतलब ऑनलाइन इंटरव्यू इसमें होगा, और जो इसकी प्रोफाइल है जो लोग डिमांड्स करते हैं उसी की प्रोफाइल मैं लेकर के आप तक आता हूँ। तो ये प्रोफाइल है मेसन की, और दूसरी जो प्रोफाइल है वो है लेबर की, मेसन और लेबर। और लेबर में वही होगा कि जो भी मेसन के साथ लेबर के लिए मतलब मेसन के साथ काम करना होगा एज अ लेबर। तो इसमें दो प्रोफाइल है, और जितने भी लोग लेबर वाले मेरे भाई लोग मैसेज किया था तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए मैं हर बार आपको बोलता हूँ आपको नीचे इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको मुझे मैसेज करना है और मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा और इस मतलब जो भी अप्लाइंग ईमेल होगा। और आप सभी जानते हैं कि मैं सभी को अप्लाई करता हूँ और सभी को ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कराता हूँ, तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड प्रोफाइल जो बात कर लें, दूसरी कंपनी है ये सऊदी अरेबिया के लिए। तो प्रोफाइल इसमें सऊदी अरेबिया के लिए है, और प्रोफाइल इसमें मांगी HVAC टेक्नीशियन, उन लोगों के लिए जो AC का काम जानते हैं अच्छे से HVAC टेक्नीशियन के लिए उसमें अभी तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो भी प्रोफाइल्स मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कोई भी तरह का एक्सपीरियंस अभी इसमें कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है कि इसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हो, क्योंकि जब इन्होंने वैकेंसी इशू करी है जो मुझे मेल मिला है तो उसमें एक्सपीरियंस नहीं लिखा है। बाकी सब जो भी एक्सपीरियंस मांगते हैं तो उसमें लिखा होता है 3 ईयर में एक्सपीरियंस मस्ट या 3 से 5 ईयर एक्सपीरियंस मस्ट, इस टाइप से लिखा होता है। तो आप लोग इसमें टेंशन ना लें कि इसमें एक्सपीरियंस अभी इसमें कुछ शो नहीं हुआ है, हो सकता हो या 1 से 1.5 साल का मांगा गया हो। तो इसके बारे में अभी पूरी फुल इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो अगर आप लोग फिर भी इसमें अप्लाई करें तो अप्लाई तो सिर्फ वही लोग करेंगे जिनको काम आता ही होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जो भी HVAC काम जानते होंगे तो वही लोग बंदे ही अप्लाई करेंगे। अब बात कर लें सेकेंड प्रोफाइल की सऊदी अरेबिया सेम कंपनी की। तो हेल्पर इसमें चाहिए लोडिंग और अनलोडिंग के लिए, ठीक है, और लोडिंग अनलोडिंग के लिए हेल्पर चाहिए सऊदी अरेबिया का वीज़ा। और मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको प्रोसेस पूरा क्लियर कर दिया है कि क्या प्रोसेस सऊदी अरेबिया का रहेगा। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की जो प्रोफाइल है, दूसरी कंपनी की जो प्रोफाइल है इसमें काफ़ी लोग इस जॉब के लिए तो बहुत सारे लोगों ने डिमांड करी है, और जो मेरे भाई ने अभी जो ऑफर लेटर इसको मिला था इनके पास मैंने वीडियो क्लियर करी, वो भी इस वीज़े में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अच्छा वीज़ा है। और इसमें तो मैं प्रोफाइल की पहले बात कर लूँ, इसमें असिस्टेंट कुक चाहिए, और ये रेस्टोरेंट का वीज़ा है सऊदी अरेबिया का रेपुटेटेड रेस्टोरेंट के लिए चाहिए, इसमें असिस्टेंट कुक चाहिए। और सेकंड जो प्रोफाइल है वो है कैशियर की, तो इसमें कैशियर मांगा गया है जो मतलब कैश कलेक्ट कर सके, जो कैशियर का काम रहता है आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में काफ़ी जिस कैशियर का काम रहता है, तो वो सब वर्क इसमें करना होगा कैशियर का, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते जो स्टेट वीपर के लिए इंटरेस्टेड होते हैं या और भी कंप्यूटर ऑपरेटर इंटरेस्टेड होते हैं वो इसमें इस कैशियर वाले में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक जितनी मैंने वैकेंसीज आपको बताई हैं वो लेबर हेल्पर से लेकर के टेक्निकल से लेकर के पढ़े लिखे होते हैं मतलब जो भी कैशियर वैशियर बंदे होते हैं स्टोरकीपर के लिए, उन सब के लिए देखिए प्रोफाइल यहाँ पे आ रखी है। उम्मीद है आपने पूरी फुल वीडियो देखी हो ताकि आपको प्रोफाइल्स क्लियर हो गई हो। तो ये प्रोफाइल्स हैं और सिंपल प्रोसेस है, आप ईमेल एड्रेस अप्लाइंग ईमेल एड्रेस मुझसे इंस्टाग्राम पर ले सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो गाइस चाहिए और मैसेज करके मुझे इंस्टाग्राम लिंक ले ले, और मतलब अप्लाइंग लिंक आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ईमेल एड्रेस जो भी एजेंसी का होगा लीगल ईमेल एड्रेस होगा, और जो वैकेंसीज है वो एकदम लेटेस्ट है, कोई भी पुरानी वैकेंसी नहीं है, सब ओरिजिनल और लेटेस्ट वैकेंसी है, 1 से 2 दिन पहले इशू हुई हैं ये सब वैकेंसीज। तो आप ये सब वैकेंसीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हो, जो भी मैं एजेंसी आपको बताता हूँ जिसके थ्रू मुझे मेल मिलता है, तो वो एजेंसीज जो होती हैं आप रिक्वायरमेंट्स निकलती हैं तो सभी तरफ निकलती हैं, ऐसा नहीं खाली मेरे पास आती हैं, सभी तरफ जाती हैं, उनको बंदे चाहिए होते हैं, तो कुछ ऑफिस में जाती हैं, ऑफिस टू ऑफिस जाती हैं, या वो ऐसा नहीं होता तो वो सोशल मीडिया पर भी शेयर करते हैं, तो आप सोशल मीडिया पर भी ये प्रोफाइल्स देख सकते हो। लेकिन मैं मेरे वीडियो के थ्रू अगर आप देखोगे तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस चीज़ के बारे में कि क्या वर्क रहेगा और कैसे कैसे लोग अप्लाई करना है, तो पूरी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी रिक्वायरमेंट्स अच्छी जो भी आई थी इस वक्त प्रेजेंट में, तो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, तो जाइए और जो प्रोफाइल्स हैं अगर आपके साथ सुटेबल हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मेक श्योर डेट यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल।